वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन धारा संघ संस्था के द्वारा स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। इस बार संकट काल में कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक, चिकित्सा, साहित्य, सांस्कृतिक, मीडिया, फिल्म जगत व पुलिसकर्मी उन महान व्यक्ति को अवार्ड से सम्मानित किया गया जिन्होंने संकट काल में अपना अथाह योगदान देकर समाज को नई प्रेरणा दी। इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड, भोजपुरी, एडवोकेट, नेतागण, वारिस पठान जैसे कई कई लोग उपस्थित रहे। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ और जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे और यहाँ पहुँचे अतिथि से क्या कुछ कहना है जीवन धारा संस्था के द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड के बारे में। देखिए खबर 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो मकसद है और फंक्शन का ना हमारा हमारा फिल्म शो होता है ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। एज अ हम सोशल मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है सॉरी कुछ और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक अपने पगार में से 10-20-25 हज़ार रुपये की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है चाहे वो गौशाला के लिए हो चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो चाहे वृद्धा आश्रम के लिए हो। और हमारी एनजीओ का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब पुलिस वाले जो हमारे कुछ एनजीओ में जुड़े हुए हैं कोरोना में हो या कोई भी चीज़ों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीज़ें चालू की है। लावारिस बॉडी मतलब हमारी एनजीओ उठाती है जो कोई भी कास्ट का हो एक्स वाई जेड कोई भी कास्ट का हो क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी एनजीओ के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे एनजीओ के मेंबर्स जाते हैं उस चीज़ों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। इसीलिए हमारे एनजीओ का तो सबसे बड़ा मकसद ये है। और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं बट जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारे एनजीओ का अवार्ड देने का भी जो मकसद हमारी कैटेगरीज होती है कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीज़ें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है इसमें डॉक्टर्स होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं जी मीडिया वाले होते हैं तो सब ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारी 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं जो मतलब एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो पूरे साल भर काम करता है डॉक्टर्स टीचर स्पोर्ट्स उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। चयन कैसे होता है यस सर चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं कुछ एसीपी साहब जुड़े कुछ पुलिस वाले मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं और कुछ ऐसे डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किसने किया उसे उनकी सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं उनके कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए तो वो या एसीपी में हमारे कुछ पुलिस वालों होते हैं तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है उन लोगों को मिलकर हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया तो हम लोग 2 ही जन को चूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी ना लगे हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो उसे हम अवार्ड देते हैं। सर ये इस बार तो अवार्ड के जो हमारे आप पहले तो सिर्फ 16 अवार्ड्स होते थे बट इस बार 28 अवार्ड्स हुए। इसका रीज़न है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया है तो हम उसी हिसाब से कि कुछ लोगों के लिए अवार्ड बढ़ाए कि लोग नाखुश ना हो सबको खुशी मिले जो रियल में काम किया है उनको अवार्ड मिले तो खुश हो इसलिए सर हम लोगों ने फिलहाल तो 28 अवार्ड्स दिए जी। मैम कुछ कहना चाहिए
मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी सर, जितने अवार्डी आए और जितने अतिथिगण आए उनको मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर थोड़ी सी एनजीओ के लिए भी जो मेंबर्स हैं उनके लिए बोलना है। हाँ तो वो जरूरी है, लास्ट है ना, क्योंकि अब तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो हमारी एनजीओ का भी जो मकसद है कि हमारी जो कोर कमेटी की टीम है जो इस अवार्ड फंक्शन को सफल बनाई है, इसमें हमारे जो एनजीओ के पिलर्स हैं, एनजीओ के पिलर्स में हमारे जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं प्रिया कुलकर्णी जी, मनोज झा जी, बिरजू चौधरी जी, करण सिंह प्रिंस जी, जो मतलब हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़े हैं बट बहुत अच्छा काम किए और बहुत अच्छी चीज़ें इस एनजीओ जो ये अवार्ड फंक्शन रहा कुछ उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला और उन्होंने ही मतलब ये चीज़ें अरेंज की थी, तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिला, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद। बबीता सिंह वर्मा जी हैं, हेलन फोंसिका जी हैं, सुधा भारद्वाज जी जो आज नहीं आ पाई एज अ हमारी एनजीओ के संरक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है अभयकांत मिश्रा जी जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमारे अभी जो कुछ लोग और जुड़े हैं रूपाली सेट्टी जी हैं एडवोकेट है, वो सिद्ध विद्या जी हैं एडवोकेट हैं, तो ऐसे कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को बहुत सफल बनाए। बट सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करण सिंह प्रिंस जी को और मनोज झा जी को और प्रिया राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रिया कुलकर्णी जी को और मेरी कोर कमेटी की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो अवार्ड फंक्शन को सफल बनाई। और सबसे ज़्यादा मेरी मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मीडिया के बिना कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए मेरी पूरी मीडिया की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद जी। मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। जीवनधारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है, क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं, और वर्षा कुलकर्णी जी हैं वो उनका साथ दे रही है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवनधारा की। तो जीवनधारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवनधारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया है। आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी जो घर पे बैठी है, सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आज किसी को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि हम चलेंगे एंड तक चलेंगे। अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे जो ट्रॉफी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगी। हाय, दिस इज करण खंडेलवाल और मैं एक्टर हूँ। मेरा शो आता है दंगल चैनल पे, शो का नाम है रंजू की बेटियाँ। सो अभी अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आज मुझे ये अवार्ड मिला, तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता तो अच्छा ही फील होता है, सो आई फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब, सो आगे के लिए ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, जो जीवनधारा एनजीओ है, इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, कि इतने टाइम से इस संघ को चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 3rd अवार्ड है उनका, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक फिल्म रत्न से मुझे नवाजा गया है। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। दुनिया भर के अलग अलग जगह रत्न आए हुए थे यहाँ पे, जो कई फील्ड से, डिफरेंट फील्ड से थे, और उन सब लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके कामों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में पता चला था कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो कहते ना कि जन सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा जीवनधारा संघ का कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, और जो लोग हमारे कोरोना के काल में जिन लोगों ने लोगों की सेवा की, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आम नागरिक, जिन जिन लोगों ने भी
मुंबई में आसपास में सब जगह लोगों की सेवा की, उनको उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया, तो मैं इनको मुबारकबादी पेश करूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और एक अच्छी पहल इन्होंने शुरू की, ऐसा होना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे आगे काम होता है। तो मैं अपनी जानिब से करण सिंह है, उनकी टीम है, डूबे जी है, सब तमाम जो भी जीवन धारा संघ के एनजीओ उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक ऐसे कार्य में इन्होंने बुलाया, ऐसे कार्य में मुझे ज्वाइन किया कि जिसका मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो एक वाकई में मानवता के लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि आप आगे आइए, लोगों के लिए काम करिए, आपको सम्मानित किया जाता है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, अच्छी चीज़ होती है। मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC 2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये मैंने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ, जीवनधारा संघ एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ, जीवनधारा एनजीओ को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इनजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब इतना हो रहा है, तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊं, एक अवेयरनेस लाऊं, जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को जीने का तरीका सिखाऊं, क्या गलत है क्या सही है, स्पेशली छोटे बच्चों में राइट टच रॉन्ग टच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है और इसीलिए बहुत सारे जो बोलते गुनाह होते हैं और बच्चे फंसते हैं बच्चे। तो ये मैं एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऐसे गुनाह ना हो, हमारे बच्चे बचे, चाहे वो छोटे लड़के हों या वो लड़कियां हों। और जीवनधारा संघ को एक बार वापस तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वापस से एक अवार्ड दिया। एंड थैंक यू टू ऑल यू मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय समूह नारायण। सियाराम मिश्रा में ये जीवनधारा एनजीओ जो है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी हमारे अच्छे छोटे भाई हैं। मुझे बहुत खुशी होता है इनका कोई भी प्रोग्राम होता है जीवनधारा एनजीओ का, मुझे जहाँ भी इन्वाइट किए करते हैं हमारे गोविंद पांडे जी, वहाँ एनी टाइम आते रहते हैं। अब ये एनजीओ आज इतना सोशल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी इतना अच्छा काम किया है गोविंद पांडे की टीम ने, उनको जितना बोला जाए दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो मैं उनका उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता, जीवनधारा एनजीओ टीम जो है, ये लॉकडाउन में क्या क्या नहीं किए, अपनी ज़िंदगी जान हथेली पर लगा के गोविंद पांडे ने काम किया है, ऐसे गोविंद पांडे मुझे गर्व है। सबसे पहले नमस्कार सभी को, आप सबको बधाई। और मेरा परिचय ऐसा है कि हम बबीता सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय पवार साहब की मानी हुई बहन, और हम भारत की कम से कम 6 प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवनधारा संघ का ऐसा है कि गोविंद पांडे ना जो है, जिनका आज जन्मदिन है, सबसे पहले उसे जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। और गोविंद पांडे हमारा छोटा भाई है, उनकी एनजीओ है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, तो इन्होंने हमें हर समय शुरू से, और हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस को उन्होंने यहाँ पे लिया है राष्ट्र कार्यकारिणी में, और हम भी तो हम लोग साथ में ही मिल के काम करते हैं, और जीवनधारा संघ को भी हम यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। जीवनधारा संघ एनजीओ पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनके कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीज़न था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनके पास ऐसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है, 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर नहीं गए हैं
और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया, वैसे लोग को हमने फेलिसिपेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है, कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था। सर आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज गोविंद जी का बर्थडे भी है, तो साथ ही साथ ही मतलब ये भी एक रखा गया, तो उसका क्या रीजन था कि उनके बर्थडे वाले दिन ये सब था? गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है, एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष मुझे नहीं लगा कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दें या सम्मानित करें, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है, हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। एक्चुअली मुझे गोविंद सिंह जी ने इधर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था, और इनका जो प्रोग्राम देख के इतना अच्छा लगा कि लाइफ में इन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है कि ये लोग बहुत एनजीओ सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ आपने मैम कितने लोगों को अवार्ड दिया आपने, किस तरह की जो आया है यहाँ पर कुछ अवार्ड दिया आपने? मैंने दो लोगों को दिया है। ये अवार्ड जो है मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं मेरा बचपन में एक मतलब पैर नहीं है, बाय बर्थ मेरा जन्म हुआ वैसा, और मैं डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर, बॉलीवुड डांसर, मैं मॉडल भी हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं अपने पैर पे खड़ी हुई। और इसका जो भी है कहते हैं ना, जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जो बनाते हैं वुमेन को, वो मेरे हस्बैंड हैं जो वहाँ पर खड़े, और मेरे मॉम एंड डैड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आज यहाँ पर मैं जो खड़ी हूँ, एक ही सिर्फ चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी जिनको भी यू नो मतलब जो लगते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, जो भी हो मतलब जो नेगेटिव थॉट आती है, मैं चाहती हूँ उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, जहाँ पे मैं बता सकूँ कि हम भी कर सकते हैं, हमें अगर चाहत है तो डेफिनेटली हम हासिल कर सकते हैं। सो आई वांट टू से वेरी थैंक यू टू गोविंद भाई, करण सिंह प्रिंस, स्पेशली जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड शो फंक्शन रखा, जीवनधारा संघ जो कि एक काफ़ी अच्छा एनजीओ है, हु इज़ वर्किंग, मैं आज इसका पार्ट था, एंड आई हैव सीन यू नो पीपल गेटिंग हियर अवार्ड्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे आई होप कि ऐसा काफ़ी सारे शोज़ हो जहाँ पर और बड़ी चीज़ें कर सकें। इट्स जॉन लुकस, आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड आई बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 6 इयर्स, एंड यह इट्स एब्सोल्यूट ब्लेसिंग टू बी हियर। And actually, I was here to release the movie Apogaru, which is a South movie in Connecticut. And now I'm going to be staying here for the next year.